अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कंफर्म कर दिया है कि कांग्रेस से गठबंधन की कोई संभावना नहीं है और उस रिपोर्ट से इनकार कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि गठबंधन के तहत आप दिल्ली में कांग्रेस को 15 सीटें देगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आप और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन को जीत नहीं मिली थी और सभी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कंफर्म कर दिया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल एक्स पर लिखा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया था कि दिल्ली चुनाव में गठबंधन के लिए कांग्रेस और आप के बीच सहमति अंतिम चरण में है। इसके तहत कांग्रेस को 15 सीटें और इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों को 1 से 2 सीट मिलेगी। इसके अलावा अन्य सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन के इस दावे से इनकार किया है। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।